गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताई, जितने भी टाइप थे क्वाड्रिलेटरल के वो चीज़ मैंने आपको बताई। और उसके अलावा कल मैंने आपको रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताया मैंने आपको। तो उन्हीं पे डिपेंडेंट एक एक्सरसाइज, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3 वो है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मालूम है, अगर प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं आती हैं, सो फिर आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं, आपको एक्सरसाइज नहीं आ रही हैं, सो प्रॉपर्टीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न नहीं है या फिर प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आई है, तो आपको एक्सरसाइज 3.3 में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सो एक्सरसाइज 3.3 इज टोटली रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ओके। सो फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान देना है कि मैंने आपको पैरेललोग्राम, मैंने आपको रोम्बस, मैंने आपको काइट, मैंने आपको ट्रेपेजियम, मैंने आपको रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या क्या बताया था। उसके बाद आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल कराऊंगा कुछ, और फिर आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है आपको, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रह जाए किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्टार्टिंग की जो एग्जांपल है, इन एग्जांपल से आप पूरी एक्सरसाइज लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कुछ एक्सरसाइज में अलग से भी क्वेश्चन है। सो एग्जांपल के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कराने जा रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइंड इट्स फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ PQRS। देखो पैरीमीटर चाहे वो पैरेललोग्राम का हो या रेक्टेंगल का हो, हेक्सागन का हो, डेकागन का हो, कोई भी पॉलीगन का हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी बाउंड्रीज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ दैट पॉलीगन जिसको बोला है पैरीमीटर। तो यहाँ पर जितनी भी लाइन सेगमेंट हैं, देखिए आपके बगल में फिगर बना हुआ है PQRS, इस PQRS में PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, SR दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, और PS भी नहीं दिया हुआ है। बट आपको मालूम है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो अपोजिट साइड कौन सी है, 12 12 7 7, ठीक है। दैट मींस आप पैरीमीटर आप फाइंड कर सकते हो, दैट मींस सम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, तो PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, तो यहाँ से आपने 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 करके आपने फाइंड कर लिया, इसका पैरीमीटर कितना आ गया, 38 सेंटीमीटर। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन फिगर 3.26, ये वाला जो फिगर है जहाँ मैंने पॉइंट रखा हुआ है, BEST इज अ पैरेललोग्राम। देखिए बी वर्टेक्स है, ई है, एस है और टी है। BST इज एन पैरेललोग्राम, BST एक पैरेललोग्राम है, BEST, और बी एंगल जिसमें से 100 डिग्री है, और एस एंगल एक्स है, और ई है जेड, ठीक है। तो सबसे पहले अब आते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में। तो कल मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा क्या बताया था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है कि नहीं। अब अपोजिट एंगल है तो एंगल एक्स एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। तो आप लिखोगे यहाँ पर अपोजिट, ब्रैकेट में लिखोगे अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद आते हैं एंगल जेड और एंगल वाई पे, ठीक है। सो एंगल जेड और एंगल वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, सो एंगल जेड हो जाएगा
80 डिग्री। कल मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं बट एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इसमें कौन कौन से हैं, टी और बी, बी और ई, और एस और ई, टी और एस, तो ये सारे एडजेसेंट मींस अगल बगल वाले, लेफ्ट राइट वाले एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, लेफ्ट राइट और आप डाउन वाले एंगल जो हैं ये सारे क्या हैं, आपके एडजेसेंट एंगल हैं। तो अब यहाँ पर 100 ये निकल आया, एक्स 300 निकल आया, अब बी आपको जेड निकालना है, तो एंगल बी और जो एंगल बी ई एस है, एंगल बी ई एस मैंने आपको बताया था, जो भी एंगल लेते हैं उसको बीच में रखते हैं और उसके एडजेसेंट वर्टिसेस को अगल बगल रखते हैं, तो बी ई एस एंगल कितना है, वो जेड है, और एंगल आपका बी कितना है, वो है 100 डिग्री। तो अब एडजेसेंट एंगल है तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस जेड डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वहाँ से जेड डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180, और 100 क्योंकि कांस्टेंट है तो दूसरे आरएचएस में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 100, तो 180 डिग्री माइनस 100 दैट मींस 80 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, सिंस वाई एंड जेड इज़ अ लीनियर पेयर। ये बात तो है ही है बट यहाँ पर जो जेड की वैल्यू निकली तभी तो आप लीनियर पेयर के थ्रू वाई की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो वाई की वैल्यू एक और रीजन से भी निकल सकती है, वो है रीजन आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल पढ़े थे, करस्पोंडिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर करस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एक देखिए TS एक लाइन है और एक लाइन BE, गौर से देखिए TS ऊपर वाली और BE नीचे वाली, अब उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है, SE, कौन सी, SE, गौर से देखिए TS एक लाइन है और BE ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट लाइन आर इक्वल एंड पैरेलल, तो TS एंड BE आर पैरेलल और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन SE इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे और वो होंगे X और एंगल Y, ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल X और Y क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल X की वैल्यू अगर 100 डिग्री होगी तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो और जो मैंने आपको बताया एडजेसेंट एंगल का तरीका उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। उसके बाद आते हैं और जो एंगल वाई निकल आएगा 100 डिग्री, तो लीनियर पेयर क्योंकि देखिए बना रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक लीनियर पेयर है वाई और जेड, देखिए ऐसे करके वाई और जेड एक लीनियर पेयर है, तो वाई और जेड जब लीनियर पेयर हैं तो 100 डिग्री वाई होगा तो जेड कितना हो जाएगा, जेड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 100, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में, इन अ पैरेललोग्राम रिंग, एक अब देखिए सामने आपका जो फिगर 3.828 दिख रहा है वो एक फिगर पैरेललोग्राम का है और उसका नेम है RING रिंग। अब रिंग में R एंगल दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल, आपको बाकी सारे एंगल को फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल कोई भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन। तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल N, मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल N, वाई बिकॉज दीज आर द कौन से एंगल, अभी लोग बोलिए अपोजिट एंगल, कौन से अपोजिट एंगल, तो एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल N, ये हो जाएंगे अपोजिट एंगल, एंगल 70 डिग्री दोनों हो जाएंगे। अब एंगल R एंड N आर द अपोजिट एंगल, दैट्स वाई इक्वल। अब आते हैं एंगल G और एंगल I की बारी, तो आप यहाँ पर एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा, क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। R एंड I आर द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स इनका 180 डिग्री होगा, तो एंगल R प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 70, एंगल I की आप वेरिएबल के तरीके उसको रखोगे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180, और कांस्टेंट है तो RHS में चला जाएगा साइन चेंज करके 180 माइनस का 70,
तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। अब एंगल आई 110 हो गया तो एंगल जी कितना हो जाएगा 110, बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल। सारे एंगल फाइंड हो गए, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो मैं आपको पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ। कल पैरेललोग्राम की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सभी लोग रिमाइंड करो। आई थिंक सब लोगों ने सही रिमाइंड किया होगा दैट पैरेललोग्राम की लास्ट प्रॉपर्टी थी दैट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होते हैं डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स जहाँ पर उनके डायगोनल कट करते हैं वहाँ से उनकी जो अपनी वर्टिसेस तक की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दैट मीन्स अगर एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो ओ ए, ये वो पॉइंट जो बीच में आप देख रहे हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये होगा पैरेललोग्राम में जब डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेंगे। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दैट इन फिगर 3.31 एच ई एल पी इज अ पैरेललोग्राम, इसमें हेल्प एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेंथ आर इन सेंटीमीटर, जो लेंथ दी हुई है इसमें यूनिट नहीं दी है बट ये सेंटीमीटर में है। गिवन दैट ओ ई, ओ ई दिया हुआ है आपको कितना 4 सेंटीमीटर। देखिए आपको ओ ई लेंथ दिख रही होगी, ओ ई दिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। और एंड एच एल, जो एच एल है ये एच एल बड़ी वाली जो डायगोनल है, ये बड़ा डायगोनल एच एल, ये मोर देन पी ई, 5 मोर देन पी ई। पी ई से कितना है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, पी ई से कितना ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मोर देन पी ई, 5 मोर देन पी ई। फाइंड ओ एच, आपको ओ एच की लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले बहुत लोगों के माइंड में आ भी गया होगा दैट ओ ई की लेंथ किसके इक्वल होगी, ओ पी के, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ ई की लेंथ ओ पी की जब इक्वल होगी तो मुझे बताओ कि इसकी 4 है तो उसकी भी कितनी हो जाएगी 4, तो टोटल पी ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पी ई, 8 सेंटीमीटर। गॉट इट, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ एच एल, एच एल की जो लेंथ है वो पी ई से कितनी है 5 ज़्यादा है, तो पी ई की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो एच एल की लेंथ कितनी हो जाएगी 8 प्लस कितनी 5, क्योंकि जो एच एल की लेंथ है वो पी ई से कितनी ज़्यादा है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो एच एल की लेंथ हो जाएगी 8 प्लस 5, तो दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ कि 13 सेंटीमीटर जब टोटल लेंथ हो गई तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ओ एच इज इक्वल टू ओ एल, तो ओ एच इज इक्वल टू ओ एल, दैट मीन्स ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं, तो ओ एच की लेंथ कितनी हो जाएगी 13/2 सेंटीमीटर, बिकॉज ओ एच इज इक्वल टू ओ एल, दैट्स वाई ओ एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एच एल। तो एच एल की लेंथ 13 सेंटीमीटर, 13/2, दैट मीन्स 6.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। देखो आपको यहाँ पर जो ये डेफिनेशन, इसके जो ये कॉलम्स को फिलअप करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिलअप डायरेक्टली करना नहीं है कि आपने सिर्फ आंसर रख दिया हो गया, इसकी आपको प्रॉपर आइडेंटिटी भी लिखनी पड़ेगी कि ये क्यों है, कि प्रॉपर्टी के थ्रू है या फिर इसकी कोई डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बना हुआ है और कह रहा है बाई यूजिंग दिस पैरेललोग्राम आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। तो सबसे पहला है ए बी सी डी पैरेललोग्राम देखते हैं और उसमें ओ पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ए डी किसके इक्वल होगा आप बताओ, ए डी किसके इक्वल होगा। यस करेक्ट, आपने सही जवाब दिया, दैट बी सी के इक्वल होगा, किसके, बी सी के इक्वल होगा। और क्यों होगा, आप उसका रीज़न लिखोगे, रीज़न नीचे लिखोगे या प्रॉपर्टी लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी बी
एंगल डी सी बी, तो जैसे पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, सी पॉइंट है, दैट मीन्स सी एंगल को ले रहे हैं और डी और बी उसके वर्टिसेस हैं, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा यहाँ पर, एंगल किसके, बहुत लोगों ने सही बोला है, एंगल ए के इक्वल होगा, किसके, एंगल ए के, दैट मीन्स एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, एंगल डी सी बी, डी सी बी, तो बीच वाला एंगल लेते हैं तो सी ए है, और एंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अपने अपोजिट एंगल के, डी ए बी के, एंगल डी ए बी, एंगल का साइन आप देख पा रहे होगे, और क्यों होगा, वहाँ पर लिखोगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट्स वाई एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा किसके इक्वल, ये सोचिए किसके इक्वल होगा, ओ सी, ओ सी लाइन देखिए कहाँ है, दिख रही होगी सबको, ओ सी हो जाएगा किसके इक्वल, ओ ए के इक्वल, किसके, ओ ए के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि रीजन लिखोगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए, मेजर ये एम का मतलब है मेजर, मतलब उसकी वैल्यू, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, तो यहाँ पर कौन सा एंगल है, ए लिया गया है, और फिर एंगल सी डी बी, तो एंगल कौन सा लिया गया, डी, तो देखो ए एंगल और डी एंगल दोनों क्या है, कौन सा एंगल है, बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने सही बोला दैट ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, कौन से हैं, एडजेसेंट, और भी मैंने आपको बताया एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो आप यहाँ लिखोगे दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल या फिर दीज आर द एडजेसेंट एंगल, सो द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत अच्छा आपने इस बार रिस्पॉन्स दिया है, तो इसके बाद आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में, कल बहुत लोगों ने होमवर्क भी दिखाया मुझे नीट एंड क्लीन राइटिंग में, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर दिए हुए हैं, उनमें आपको वेरिएबल के वैल्यू फाइंड करनी है जो भी फिगर में होगा, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चन बताता जाता हूँ। पहला फिगर बना हुआ है ए बी सी डी द पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई एंड जेड, इसमें आपको एक्स वाई और जेड फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल बताया, बताया है कि नहीं, जिसमें एडजेसेंट एंगल निकल रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा एंगल, एंगल वाई, वाई क्यों निकालेंगे, अच्छा बताओ क्यों निकालेंगे हम वाई, क्योंकि वाई एंगल जो है वो एंगल किसके, नोन एंगल जो है उसके किस, क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, तो एंगल वाई डायरेक्टली निकल आएगा, दैट मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, एंड एंगल डी जो है वो इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री, दैट मीन्स एंगल डी की वैल्यू कितनी है, वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, और आप ब्रैकेट में इसमें बगल में लिखोगे दैट अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। उसके बाद आते हैं, ये हो गया 100 डिग्री, अब एंगल जेड निकाल लें, तो एंगल जेड इस एंगल बी के साथ, एंगल जेड मीन्स एंगल ए जो है वो एंगल बी के साथ क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है या फिर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स जेड प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 100, तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, तो जब जेड की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री, बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल्स। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मेरे साथ बोलते हुए चलो तो आपको क्लियर होता चलेगा बिल्कुल। इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सो नेक्स्ट पार्ट है पी क्यू आर एस, सामने आपको फिगर दिख रहा होगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, सामने आपके दिखा हुआ बना हुआ है, और ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जांपल में ही कराया था। सो बताना है आपको यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू इसमें निकाल लें, बोलो, सबसे पहले हम निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू पी की निकाल लो, देखो अपने अपने मेथड से आप लोग करना चाहो कर सकते हो बिल्कुल, यहाँ पर एस और क्यू की वैल्यू आप आर क्यू पी और आर एस पी, एंगल दोनों इक्वल है, अपोजिट एंगल है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, जब एक 50 हो गई, तो ये जब 50 हो गया, तो आप मुझे बताओ एंगल जेड कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, दैट मीन्स 130
जब 130Z हो जाएगा तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 130, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल एक्स अगर 130 हो गया तो एंगल वाई कितना हो जाएगा, 130, बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये भी मेथड से कर सकते हो, या फिर आप ऐसा करो कि एंगल एस और एंगल पी सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल एस दैट मीन्स ये वाला एंगल और एंगल पी दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, दैट मीन्स 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 50 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। जब 130 डिग्री ये हो गया तो एंगल वाई कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, और एंगल एक्स 130, तो जेड कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। समझ में आ गया होगा आई होप सबको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रोम्बस बना हुआ है, तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी को। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल और नॉट इक्वल। इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ पर, राइट एंगल पे। समझ में आ गया होगा सबको। तो रोम्बस बना हुआ है, रोम्बस जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री इन्होंने साइन बना दिया है, और एक रोम्बस है ABCD इसका नाम दिया हुआ है। तो एंगल जो OBC है, देखो OBC, देखिए यहाँ पर 30 डिग्री कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल OBC, इसमें ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे XYZ की सबकी वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी यूज होगी, सबसे पहले होगी कि नहीं, क्यों होगी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल एक बन रहा है OBC। गौर से देखो, मैं ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करूँगा और आप इसको देखो, क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पैरेललोग्राम से। सो देखते हैं, देखिए एंगल OBC, गौर से देखिए एंगल OBC 30 डिग्री है कि नहीं, दिखा आप सबको। आपको निकालना क्या है, एंगल BCOY, और एंगल निकालना है आपको ये वाला एंगल BOC X निकालना है, और निकालना कौन सा है, DAO, ये आपको निकालना है जेड वाला एंगल। तो एंगल एक्स तो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि 90 डिग्री, क्योंकि जो होते हैं डायगोनल रोम्बस में वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर जो एंगल एक्स है वो तो 90 डिग्री हो गया, तो इसको निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट ये एंगल एक्स से आप एंगल वाई निकालोगे, बिकॉज COB एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। देखो एंगल अंदर जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, COB बन रहा है कि नहीं, सबको साफ दिख रहा होगा। COB एक क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का, 180 डिग्री होता है कि नहीं, यस या नो। तो ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री, तो देखिए x plus y plus 30 डिग्री, 30 डिग्री, दैट मीन्स x plus y plus 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद एंगल x की वैल्यू अभी आपने निकाली 90 डिग्री, और y आपको निकालना है, फाइंड करना है, और 30 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से एंगल y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, y इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, अब आपको सबसे लास्ट वेरिएबल z की वैल्यू निकालनी है। तो आप जरा थोड़ा सा फिगर को घुमा दो, देखो घुमाओगे जब तो आपको एक पैरेलल लाइन BC दिखाई पड़ रही है, यस या नो, क्या दिखाई पड़ रही है, पैरेलल लाइन BC, और एक पैरेलल लाइन क्या दिखाई पड़ रही है, AD। BC एक दिखाई पड़ रही होगी और एक AD, दोनों पैरेलल दिख रही हैं कि नहीं, यस या नो। अब जब पैरेलल दिख रही हैं तो इसमें पैरेलल दिखने पे आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, वो है CA, कौन सी है, CA, CA इज द ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल। तो अब इसके बगल में एक एंगल Y बन रहा है और इधर एंगल क्या बन रहा है, Z, तो ये कौन से एंगल हो गए,
अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गया कि नहीं? देखो मैंने आपको बताया था कि ये अल्टरनेट है और कौन से इंटीरियर अल्टरनेट है। यहाँ पर बी सी एक पैरल लाइन है और एक ए डी लाइन है, ये दोनों आपस में पैरल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन सी ए इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके थ्रू एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा सबको? अब वाई और जेड इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स जो एंगल वाई की वैल्यू होगी 60 डिग्री, वही एंगल जेड की हो जाएगी। तो ऐसे करके आपके सारे एंगल फाइंड हो गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अभी दो क्वेश्चन बाकी हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आई होप ये क्वेश्चन सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके सेकंड की तरीके है। ठीक है, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, आपको यहाँ पर एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। अब वाई जब 80 डिग्री आप ले लोगे तो आप यहाँ पर, या फिर ये तो हो गया वाई 80 डिग्री, उसके बाद ये आपका 80 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा। किसके हो जाएगा? एंगल जेड के। दिख रहा होगा आपको कि ये दोनों कौन से एंगल हैं? बहुत समझदार लोग बोल भी चुके होंगे दैट दीज एंगल आर कौन से एंगल? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल जेड की वैल्यू किसके हो जाएगी? 80 डिग्री के। तो उसके बगल में लगता हुआ जो एंगल है वो कौन सा है? लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं? जेड के बगल में एंगल क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। तो 80 ये हो गया, तो इसके बगल वाला एंगल डी सी बी, डी सी बी क्या हो गया? ये वाला एंगल क्या हो गया? अंदर वाला इंटीरियर एंगल, ये हो गया कौन सा एंगल? लीनियर पेयर एंगल। जेड और डी सी बी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 80 और प्लस डी एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी सी बी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 80, दैट मीन्स 100 डिग्री। तो ये 100 हो गया, तो एंगल एक्स भी 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। सो आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन आ गया होगा। साथ आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। ए बी सी डी द पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई सामने ही आपको दिख रहा है, दैट एंगल वाई इज इक्वल टू 112 डिग्री, बिकॉज दीज आर द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आ गया सबको? उसके बाद आप गौर से देखो, मैंने आपको जो 3.1 में क्वेश्चन बताया था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वाला, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, दैट ए डी सी इज अ ट्राइंगल। है ट्राइंगल कि नहीं? यस या नो? ए डी सी क्या है? ट्राइंगल है। देखो ए डी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है। अब जब ट्रायंगल बन रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 40 प्लस वाई प्लस एक्स, 40 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 112। अपोजिट एंगल हो गए अभी अभी आपने फाइंड किया, और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दोगे तो आ जाएगी 28 डिग्री। तो एंगल एक्स आ गया कितना? 28 डिग्री। अब एंगल एक्स 28 डिग्री आ गया, तो एंगल जेड भी कितना हो जाएगा? 28 डिग्री, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल। समझ में आ गया होगा? अल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि इसको एक डी सी और ए बी, ये दोनों पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन सी ए इंटरसेक्ट कर रही है। डी सी और ए बी ये पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन सी ए इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल एक्स और जेड दोनों ही अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल इस कंडीशन में इक्वल होते हैं। तो इस टाइप में आपने सारे क्वेश्चन करे 3.3 के, 1 एंड 2 पार्ट और एग्जांपल। तो सारा आपको एग्जांपल आपको रफ नोटबुक में करने हैं, और जो आपको रफ नोटबुक में करने हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करके मुझे दिखाने हैं। कल काफ़ी लोगों ने होमवर्क मुझे दिखाया है। सो बहुत बढ़िया, वेल डन, यू आर डूइंग गुड जॉब स्टूडेंट्स। एंड फिगर भी बहुत अच्छे बनाए थे, तो आज मुझे लगता है कि आज 100% लोग स्टूडेंट्स मुझे होमवर्क दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।